उदयपुर वाटी के जोधपुरा में खातेदार की भूमि में जमकर हो रहा है अवैध खनन। खनन करने वाले माफिया के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद भी किया जा रहा है अवैध खनन। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के जोधपुरा ग्राम पंचायत के कसरा नंबर 717 में खातेदार की भूमि में भू माफियाओं द्वारा जबरदस्ती अवैध खनन कर बजरी निकाली जा रही है, लेकिन पीड़ित सोहनलाल कुमावत की ओर से खनिज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व DGP व मुख्यमंत्री को शिकायत देने के बावजूद भी उदयपुर वाटी के जोधपुरा में जमकर अवैध खनन आज भी जारी है। अवैध खनन करने वाले शीशराम जाट माफिया के खिलाफ खातेदार की भूमि में अवैध रूप से बजरी निकालकर कसरा की भूमि से हरे पेड़ों को कटाई करने का उदयपुर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस अभी तक जांच अधरजूल में छोड़कर मौके पर खनिज विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जब्त की गई जैसी भी LNT मशीनों को भी छोड़ दिया गया, जिसके बावजूद अब खनन माफिया वापस खातेदार की भूमि में जबरन लगातार अवैध खनन कर रहा है। अवैध खनन करने वाले माफिया पीड़ित सोहनलाल कुमावत को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कहता है कि जिसको शिकायत देनी है शिकायत दे दे, सब कुछ सिस्टम सेट है, सिस्टम के आगे प्रशासन कुछ नहीं करेगा। और माफिया खुलेआम पीड़ित सोहनलाल कुमावत को चेतावनी देकर धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित काफ़ी समय से खातेदार की भूमि में हो रहे अवैध खनन को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। सोहनलाल कुमावत भी हार नहीं मान रहा है। सोहनलाल कुमावत के परिवार को खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी जमीन को बचाने के लिए लगातार खनन माफियाओं के हौसले को तोड़ने के लिए शिकायतकर्ता शिकायत पर शिकायत कर अपने हिस्से की भूमि को बचाने में लगा हुआ है। वहीं खातेदार की भूमि में लगातार हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन को न्याय की गुहार लगा रहा है और अपनी निजी खातेदार की भूमि पर हो रहे अवैध खनन को बंद करवाने की लगातार मांग की जा रही है। जो इतने प्रभावित को सब सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, लोग इतना पावरफुल है, लोग आज भी खनन जारी है।